संजू, आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी से एक चटपटा नाश्ता। तो चलिए हम बनाते हैं। एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून तेल डाल के उसे गर्म करने रख दिया है। अब यहाँ पे हम 6 से 7 रोटी लेंगे और उसे कट करेंगे। पहले यहाँ पे मैं 2 रोटी ले लूँगी, उसे रोल कर देंगे। सीज़र की सहायता से उसे कट कर देंगे, हमें इसे पतले पतले कट करना है। तो इस प्रकार हम कट कर लेंगे। ऐसे नूडल्स, रोटी के नूडल्स हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 7 रोटी मैंने यूज़ की है। अब पैन में जो हमने तेल रखा था गरम होने, वो हो चुका है। उसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की चॉप करके डाल देंगे। 10-15 कड़ी पत्ता। अब इसमें 1 प्याज डाल देंगे। प्याज आपको बारीक काटनी है तो आप बारीक काट सकते हैं, मैंने यहाँ लंबी काट ली है। 1 टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और गोभी ले लिए। आपको इसमें जो सब्ज़ी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। बच्चों को जो पसंद है वो डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो उसे बारीक कट करके इसमें डाल दीजिए। बस इसे हम 1 मिनट तक सॉटे होने देंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारे रोटी नूडल्स मिक्स कर देंगे। नूडल्स का नाम सुनते ही बच्चे इसे खा लेंगे, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। स्वादानुसार नमक, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब भी बच्चों को भूख लगे इस प्रकार आप बना के उन्हें हेल्दी खिलाइए। तो बची हुई रोटी से हमारा चटपटा नाश्ता तैयार है। इसे ज़रूर से आप ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए।